अपने गर्भ के अंदर बंद कर दिया गया, और इस वक्त पूरी दुनिया के लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये उसकी सजा है पूरी दुनिया के लोग, इसलिए कि जिस वक्त कश्मीर पर जुल्म हो रहा था तुम उस वक्त तमाशाई बने हुए थे, अब पोपाल बोल रहा है, वो भी कह रहा है ये उसकी सजा है जो तुमने कश्मीरियों को अपने घरों के अंदर बंद किया, कैद किया। अब भुगतो मजा, पूरी दुनिया के लोग अपने घरों के अंदर कैद हो गए, और वो चाइना जो हजाब पर पाबंदी लगा रहा था, जिसने कहा औरतें हजाब नहीं पहन सकती, जिसने मुसलमान बेटियों के लिबास जो कि मुकम्मल लिबास पहनकर घरों से बाहर निकली उनके लिबास काट दिए, अब वो भी अपने आप को लफाफों में लपेट रहा है, मुंह पर मास्क चला रहा है। क्या मेरे इस्लाम ने जिस्म को ढांपने का हुक्म नहीं दिया? क्या मेरे इस्लाम ने नकाब करने का हुक्म नहीं दिया? या अय्युहन नबियु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैनि व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। क्या ये अल्लाह का हुक्म नहीं था? तुमने अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ा, तुम अल्लाह की खदू से टकराए, और फिर मुझे याद आ रहा वो बच्चा, वो शामी बच्चा जो चीख चीख कर कह रहा था चारों तरफ से फौजों ने हमें घेर लिया है, हमारा खाना बंद हो गया, हमारा पानी बंद हो गया, हमें घर के अंदर कैद कर दिया गया, और चारों तरफ से दुश्मन ने हमें घेर लिया है। क्या किसी ने उसके लिए दुआ की थी? क्या किसी ने उसके लिए आवाज बुलंद की थी? उस बच्चे के सामने उसके माँ बाप को गोलियां मार दी गई, उस बच्चे ने कहा था कि मैं अपने अल्लाह से शिकायत करूंगा, मैं अपने रब की बारगाह में शिकायत लगाऊंगा। अल्लाह के बंदो, मुसलमानों, वो बच्चा अपने रब की बारगाह में शिकायत लगा चुका, उस रब की बारगाह में शिकायत लग गई, मालिक ने उस बच्चे की शिकायत सुन ली है, अल्लाह का अजाब उतर चुका है। अब भुगतो मजा, इसलिए कि तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की थी। और फिर वो औरतें जो कहती थी हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जिसको चाहें दिखाएं, जिसको चाहें ना दिखाएं, अब वो भी अपने घरों के अंदर कैद हो गई हैं। अब निकलो ना बाहर, नमाइश करो अपने जिस्म की, दिखाओ अपना जिस्म, अब क्यों घरों के अंदर कैद हो? नहीं नहीं मेरी बहनों, ये जिस्म अल्लाह का अता किया हुआ, इस पर मर्जी भी मेरे रब की चलेगी, किसी दुनिया वाले की मर्जी नहीं। अगर मर्जी है तो मेरे रब की मर्जी है। ये आजमाइश का वक्त है, ये वक्त शर्मिंदगी का वक्त है, ये वक्त आंसू बहाने का वक्त है, रब की बारगाह में अर्ज करने का वक्त है, मौला हमने मान लिया तेरी ताकत के बगैर कोई ताकत नहीं, मौला मासर हकीकी जात में तेरी जात है, ए अल्लाह अब तो मेडिकल भी फेल हो गई है, डॉक्टर जवाब दे गए हैं, हमें पता चल गया हमें एटमी ताकत नहीं बचा सकती, हमें हथियार नहीं बचा सकते, मौला अब हमारे पास कुछ नहीं, अगर है तो बस तेरे महबूब की निस्बत है, मौला तुझे तेरे महबूब की निस्बतों का वास्ता देते हैं, हमें कोरोना वायरस से बचा, हमें नागहानी आफात से बचा, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के सही मानों में गुलामी अता फरमा, और इस गुलामी के सदके ए अल्लाह हर किस्म के मसाइल परेशानियां दुख दर्द दूर फरमा, जो लोग बीमार हैं ए अल्लाह जिस्मानी लिहाज से बीमार हैं,
ऐ अल्लाह घरों में अस्पतालों में ऐ अल्लाह उन्हें तू शफाए कामला आजला दे दे। ऐ अल्लाह वो लोग जो कैंसर के मरीज हैं, ऐ अल्लाह वो लोग जो हार्ट प्रेशर के मरीज हैं, ऐ अल्लाह वो लोग जिनके दिल की प्रॉब्लम है, ऐ अल्लाह जिनके गुर्दे फेल हो गए हैं, जिनकी आँखों में मोतिया का मसला है, जिनके दांतों की तकलीफ है, ऐ अल्लाह जिनको जोड़ों की तकलीफ है, चल भी नहीं सकते, ऐ अल्लाह जो इस मूजी मर्ज में हलाकत की लपेट में आ गए हैं, ऐ अल्लाह हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस है तो तेरे महबूब की निस्बत है तो तेरे महबूब की गुलामी है, तेरे महबूब की उस गुलामी का वास्ता देते हैं। ऐ अल्लाह हमें इन बीमारियों से बचा ले, हमें ऐ अल्लाह हर किस्म की बेख्याई से हम पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह हमने जो गुनाह किए उनसे भी माफ़ी मांगते हैं, आइंदा नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस जिस ने दुआ के लिए कहा है, ऐ अल्लाह उसकी नेक दिली मुराद पूरी कर दे। रब्बाना इन्नाका